अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली फूड्स विद सेब। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अपने किचन में बना रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त से छोले, जो आपने सिटी कोर्ट पे भी हो सकता है खाए हों, तो वहाँ मिलते हैं। ये काले मसाले के छोले होते हैं, वो देसी घी में बनाते हैं। ये देखिए, मैंने छोलों को जो है चाय की पत्ती थोड़ी सी डाली थी पोटली में और उसको उबाल लिया था। उसमें दो तीन तेज़पात डाले हैं, एक दो मैंने दालचीनी के टुकड़े डाले हैं छोलों के अंदर, और थोड़ा सा नमक डाल के इनको बॉईल कर लिया। आप इसकी कंडीशन देख रहे होंगे और कलर भी देख रहे होंगे, तो ये इस कलर के हो जाएंगे। ये काले मसाले के छोले होते हैं, इसलिए इसको थोड़ा सा कलर देना ज़रूरी होता है। और ये आधा किलो चिकन लिया है मैंने। छोले आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, वैसे ये एक पाव छोले हैं और आधा किलो चिकन है। चलिए हम इसमें मसालों का जो यूज़ करेंगे, मैं इसमें प्याज ले रही हूँ, तकरीबन दो दरमियानी प्याजें ले ली हैं मैंने, और उनको ज़रा ऐसी मोटा मोटा सा चॉप कर लिया है। चार छः लहसुन के जवे हैं, और ये एक अदरक का टुकड़ा था, और तीन चार हरी मिर्चें हैं। बस इनको हम हल्का सा रोस्ट करेंगे ऑयल के अंदर, और फिर इनको पीस के मसाला बनाएंगे। चले चलते हैं जल्दी से रेसिपी की तरफ। बाकी के इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताऊंगी जब रेसिपी शुरू करूंगी। चलिए, कढ़ाई मैंने रख दिया, और अभी मैंने हाफ कप ऑयल डाला है इसमें, ताकि हम अपनी प्याज को अच्छा सा फ्राई कर लें। ठीक है, बस इस पर इसको नरम करना है हमें, ताकि ये कि जब हम मसाला बनाएं तो उसमें कच्ची प्याज की थोड़ी सी महक आखिर वक्त तक आती रहती है मसाले में, तो इसलिए हम इसमें ज़रा सा बिल्कुल जैसी नरम नरम सी हो जाएगी, तो फिर हम इसको पीस के यूज़ करेंगे, यानी ग्राइंड करके। तो जब तक ये पिंक पिंक सी होती है, मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी देर में। चलिए देखें, प्याज मुरझा गई है और गुलाबी सी भी हो गई है, तो अब निकालती हूँ मैं इसको। हम इसको अलग कर लेंगे प्लेट में और ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। चलिए, हमने प्याज ठंडी होने के लिए रख दी है। मैं इसमें ले रही हूँ थोड़ा सा बटर, क्योंकि असली घी नहीं है इस वक्त हमारे पास, तो हम इसको बटर में पका रहे हैं। बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी इसकी, और इसमें साथ ही मैं डाल दूँगी ये दो मैंने बड़ी इलायचियाँ ली हैं, बहुत अच्छी खुशबू आएगी इनसे मसालों में। और दो तीन मैंने छोटी इलायची ली है, और लौंगे ली हैं थोड़ी सी, क्योंकि दालचीनी और तेज़पात हम पहले छोलों में डाल चुके थे, तो उसकी भी बहुत अच्छी सी स्मेल आ रही है छोलों के अंदर से। चलिए देखिए, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है मसालों की। बस अब हम इसमें अपनी चिकन फ्राई करेंगे, कलर चेंज हो जाए चिकन का। बहुत झटपट ये रेसिपी बन जाएगी, और आपको मज़ा भी बहुत मिलने वाला है, क्योंकि मैंने मसाला जो पीस के डाला है उसका मकसद यही था कि छोले और ग्रेवी जो है, यानी बिल्कुल अलग अलग सी ना रहे, क्योंकि छोलों में पानी अगर डालें आप तो फिर बिल्कुल लिक्विडी सा हो जाता है और छोले अलग हो जाते हैं। तो ये प्याज पीस के डालने से हमारा बहुत अच्छा जो है मसाला तैयार होगा, और ग्रेवी भी बहुत अच्छी तैयार होगी, बिल्कुल आपको वही लुक लगेगा जैसे आप सिटी कोट के छोले खाते हैं। चलिए, ये फ्राई हो रहा है, जब तक मैं फ्राई कर रही हूँ, प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलें। आपका एक लाइक जो है वो मेरी मेहनत वसूल कर देता है। अच्छे से कमेंट करें ताकि मुझे लगे कि आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं। चलिए, थोड़ी सी और कलर चेंज करती है, तो फिर हम अपने इसमें मसाला डालेंगे। चलिए देखें, चिकन ने कलर चेंज कर लिया, मैं डाली हूँ मसाला अंदर, ताकि इसकी भी थोड़ी सी अच्छी सी भुनाई हो जाए। ये देखिए, मैं स्पाइसेस आपको बता दूँ इसमें क्या क्या ले रही हूँ। नमक मैं थोड़ा ले रही हूँ 1 टीस्पून, क्योंकि मैं छोलों में डाल चुकी थी। और ये मैंने गरम मसाला लिया है 1/2 टीस्पून, चुटकी मैंने बिल्कुल 1/4 टीस्पून समझ लीजिए आप, मैंने टाटरी ली है। अगर आपको आमचूर पाउडर डालना हो तो 1/2 टीस्पून आप इसमें आमचूर पाउडर ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने भर के किसी भी लाल मिर्चें ली हैं, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी ली है, अगर आप चाहें तो मिर्चें अपने हिसाब से ले सकते हैं। 1/2 टीस्पून चाट मसाला है, और ये कुटा हुआ धनिया है तकरीबन 1 टेबल स्पून, और 1 टीस्पून मैंने ये पिसा हुआ सफ़ेद जीरा लिया है, और ये काली मिर्चें हैं तकरीबन 1/2 टीस्पून, और एक मैंने क्यूब डाली है, इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी। चलें फिर ये मैं सारे मसाले ऐड करती हूँ, जो मैंने प्याज और हरी मिर्चें मैंने पीसी थी, और इनको अच्छा सा फ्राई कर लिया है। आप देख रहे होंगे कितनी अच्छी लुक आ। चलिए, सारे स्पाइसेस चले गए हमारे, और बस अब इसको भी थोड़ा सा हम भूनेंगे। आपको पता है कोई ऐसा स्पाइस नहीं है इसमें जिसकी महक वगैरह आए, तो थोड़ी सी भुनाई होगी बस इसकी, और फिर हम पानी डालेंगे छोलों का। देखिए, सारे स्पाइसेस चले गए, थोड़ा सा मैंने पानी डाला ताकि स्पाइसेस नीचे लगे नहीं। बस अब इनको करते हैं थोड़ी सी भुनाई, और जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा तो हम इसका ऑयल अलग से निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है छोले जो हैं वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं ऑयल को, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे डाला ही नहीं था हमने। तो हम इसको ऊपर से जो है सर्व करते वक्त ऑयल डालेंगे। चलिए देखें, ऑयल ऊपर आ गया है, मसाले की बहुत अच्छी सी भुनाई हो गई है। बस मैं अब आप इसमें से निकालती हूँ ऑयल, फिर आपको दिखाती हूँ आगे का प्रोसेस। चलिए देखें, हम डाल रहे हैं अपने वाइट छोले, ताकि ये कि अच्छे से ज़रा से मैशी से मसाले के साथ हो जाएंगे, और बस हल्का सा चलाएंगे, फिर हम जो इसका हमने पानी पकाया था वो डाल देंगे। बस हमारी ये रेसिपी तकरीबन तैयार है, 5 मिनट दम पे लगाएंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी, आप बनाएं, ट्राई करें,
और अगर चाहें तो पराठों से, अगर पूरी से भी खाना चाहें तो बहुत मज़े की लगेगी, पराठों से खाएं, नान से खाएं। देखें आप लोग, देखें और कंसिस्टेंसी देखें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि छोले अलग जा रहे हैं और उसकी ग्रेवी अलग जा रही है। बस अब हम इस पर थोड़ा सा डालेंगे छोलों का पानी। चलिए देखें, बिल्कुल भुन चुका है मसाला वगैरह हर चीज़, और आप इसकी कंसिस्टेंसी भी देख रहे होंगे। बस ऑयल आप देखें बिल्कुल ख़त्म हो चुका है इसमें से, इसीलिए मैंने अलग निकाल लिया था कि डिश आउट करते वक्त डालेंगे हम। बस ये मैं डाल रही हूँ ये पानी छोलों का जो मैंने बॉयल किया था इसके अंदर, और उसको मिक्स करके हम इसको रखेंगे दम पे, ताकि हर चीज़ का टेस्ट इसके अंदर आ जाए, छोलों में और चिकन में। और बस अब हम ये डाल रहे हैं दम पे, थोड़ी सी चीरा लगा के हरी मिर्चें, अगर आपको मिर्चें कम लग डालनी हो तो आप इसमें से बीज निकाल के डाल सकते हैं। चलिए अब इसको मैं कवर करके पकाती हूँ, फिर मिलते हैं 10 मिनट के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें चूल्हा मैं बंद कर चुकी हूँ और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, और थोड़ी सी खुशबू के लिए हम और ये कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रहे हैं, तकरीबन 1 टेबल स्पून मैं इसमें क्रश करके कसूरी मेथी डालूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आएगी। और बस अब इसको मिक्स करके अच्छा सा और डिश आउट करेंगे। ये देखें मैंने ऑयल थोड़ा सा इसमें डाला था क्योंकि बिल्कुल ही मिक्स हो गया था इसके अंदर, और बस अब हम इसको डिश आउट कर रहे हैं। चलिए मैं सर्व कर रही हूँ, आप लोग भी बनाएं और सर्व करें, नाश्ते में बनाएं या डिनर में बनाएं, खमीरी नान से खाएं, राइस से खाएं, पूरियों से खाएं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट मिलने वाला है। और आप देख रहे होंगे बिल्कुल भी ग्रेवी में आपको ये नहीं लग रहा होगा कि छोले अलग जा रहे हैं या शोरबा अलग जा रहा है। ये देखें ऑयल भी मैं डाल चुकी हूँ, चलें फिर इनको ट्राई करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि कैसी बनी आपकी रेसिपी। इसी तरह और अच्छी और नई रेसिपी के साथ मिलूंगी, अपनी होस्ट को दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।